नमस्कार, जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, आज मैं आपको पत्थर चट्टा प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये किडनी स्टोन में बहुत कारगर काम करता है। इसका पत्ता खाली पेट 11 दिन, 20 दिन, 40 दिन, छोटी बड़ी मीडियम जैसी भी पथरी हो खाने से गल के निकल जाती है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको पाषाण भेद, भस्म पत्री, अजूबा, रक्तबीज नाम इसका। इसके किनारों से नए पौधे तैयार होते हैं। जिस तरीके से तैयार हुए हैं, किनारों से पौधे निकल के जमीन पे गिर के तैयार हो जाते हैं। जिस प्रकार से रक्तबीज का बूंद गिर के एक दूसरा रक्तबीज पैदा होता था जमीन पे, वैसे ही ये पौधों के पत्ते के किनारे से ये नए छोटे पौधे विकसित होकर के जमीन पे गिर करके उग जाते हैं। इसलिए ये रक्तबीज नाम सार्थक प्रतीक होता है। और पत्थर चट्टा का कई प्रजाति होती है। ये विकसित और बड़े पत्ते की प्रजाति है। एक होती है वो छोटे पत्ते की, गोल गोल पत्ते की होती है, और दोनों का एक ही जैसा काम है। पथरी के लिए ये रामबाण औषधि है। इसलिए इसका पथरी के बीमारी को खत्म करने के लिए इसके पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। छोटी पथरी है 10 दिन, मीडियम है 21 दिन, किसी भी बड़ी से भी बड़ी पथरी रहने दो 40 दिन, इसके पत्ते का सेवन करने से पथरी की बीमारी से निजात मिलता है। इसके पत्ते का, जैसे ये पत्ता है, इसके पत्ते को तीन भाग में करके 3 दिन लेना चाहिए खाली पेट, न तो ज़्यादा न तो कम। इसे आपको पथरी से आराम मिलेगा। ऐसे भी इसकी तासीर ठंडी है, लीवर के इन्फेक्शन में भी इसके पत्ते काम आते हैं। इसको हर जगह लगाया जा सकता है। ये हार्डी प्लांट है, इसको उगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें से फूल भी निकलता है, जो गुच्छे के रूप में लाल और पीले फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये शो प्लांट के रूप में आप अपने घर में, अपने वातावरण में इसको लगा सकते हैं, और इसको हर किसी को लगाना चाहिए। दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के वीडियो में आपको और अन्य वनौषधियों के, जड़ी बूटियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।